नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं पीएचयू पाठशाला, का बहुत बहुत स्वागत है। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो जिसका बेसब्री से इंतजार लगभग कई दिनों से लोग कर रहे थे। हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक ही कमेंट आ रहा था, सर प्लीज एक बार कटा वीडियो प्लीज बना दीजिए। तो फाइनली आपके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट और डिमांड पे ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना के लाया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो के दरमियान मैं जो भी शब्द बोलूंगा उन शब्दों पे विशेष ध्यान रहे, और जो शब्द मैं नहीं बोलूंगा उस शब्द के जगह पे आप भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव वीडियो है। मैं नहीं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई बहुत ज्यादा खुश हो जाए और कोई बहुत ज्यादा दुखी हो जाए। सो प्लीज कीप पेशेंस, कीप बैलेंस, कीप स्माइल और बीएचयू पाठशाला का इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग 1,00,000 का एक टारगेट लेके चले हैं जिसमें आपको हम लोग देने वाले 100 वीडियोज इन काउंसलिंग मिशन काउंसलिंग। सो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि बीएचयू पाठशाला के अलावा ऐसे वीडियोज आपको देखने को नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे। और हाँ, बीएचयू पाठशाला बीएचयू के छात्रों द्वारा चलाया जाता है, ऑलरेडी आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएचयू यूनिवर्सिटी। सो ऐसे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा लगभग अथेंटिक होगा, और इतना ही नहीं एडमिशन के बाद भी आपका साथ दूंगा। सेमेस्टर्स में कैसे मार्क्स लाने हैं, कैसे कॉपी राइटिंग करनी है, यूपीएससी के लिए क्या टारगेट करना है, इन तमाम बातों पे करियर से रिलेटेड जो वीडियोज होंगे वो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं और देता रहूंगा, अपडेटेड करता रहूंगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आइए हम लोग बात करते हैं कि कितने मार्क्स लाने पे बीएचयू में फाइनली एडमिशन आपका हो जाएगा। बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज 2022 कट ऑफ एनालिसिस वीडियो आपके सामने है। यहां पे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को डिटेलिंग किया है, तो हम लोग सीट को भी बता देते हैं आपको। आर्ट्स फैकल्टी और सोशल फैकल्टी की सीट को एक साथ गर्ल्स बॉयज के लेवल पे मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे एफएमसी और एफिलेटेड मिला के जो बॉयज की टोटल सीट है वो 1,074 और जो गर्ल्स की आर्ट्स में है वो 1,379 यानी 1,379, जिसमें 33% गर्ल्स की रिजर्वेशन है तो माइनस हो जाएगा और 340 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से सोशल फैकल्टी के यहाँ पे है वो है 899, 33% गर्ल्स रिजर्वेशन तो वो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 300 ऐड हो जाएगा और 970 ऐड होगा 300 अभी, ठीक है, ये ऐड होना बाकी है अभी। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना कि 33% जो रिजर्वेशन होता है रिजर्वेशन है, मतलब इतना तो होना ही चाहिए, इसके अपर लड़कियां जा सकती है। सपोज कि 100 में 30 लड़कियों का तो कंपलसरी है, लेकिन लड़कियां अगर अच्छा मार्क्स लाती हैं, जैसे कि 1-2 सालों में लड़कियों ने टॉप किया है। अब मेरे यहां से अंजलि चौरसिया फर्स्ट रैंक थी, ईडब्ल्यूएस से फर्स्ट रैंक था, तो ऐसा नहीं है कि अंजलि चौरसिया है तो ओबीसी से अपना काउंसलिंग करा रही है, उसको जनरल से मिल गया तो वो ओबीसी की एक सीट छोड़ दी और अपने जनरल कैटेगरी से उसने अपना एडमिशन करा लिया। इसका मतलब है कि बॉयज सीट को उसने ले लिया, मेरी बात समझ रहे हो। तो ऐसे में 33% तो उनका फिक्स वैल्यू है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जनरली देखो आर्ट्स फैकल्टी में खासकर जो बीए प्रोग्राम है बीएचयू में उसमें लगभग इतनी ही लगभग लड़कियां रहती हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब मैं बीएचयू में अभी मैं जब अपना यूजी कर रहा था, मेरा यूजी बीएचयू से ही था, तो उस दरमियान में मेरे क्लास में ऐसा नहीं बहुत ज्यादा लड़कियां पढ़ती थी, मैं देखता था बैलेंस होता था, लड़कियों की संख्या बहुत कम ही नजर आती जनरली। आगे बात करते हैं हम लोग, अच्छा सीट्स ऑफ सुपर न्यूमेरी, दोस्तों ये बात बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि बीएचयू में 15% पेड सीट रिजर्वेशन होता है, यानी पैसे देके मेरिट को फॉलो करते हुए, कट ऑफ को ही फॉलो करते हुए 15% फॉरेन कोटा होता है, 15% इम्प्लाई होता है, फिर स्पोर्ट्स कोटा होता है। स्पोर्ट्स कोटा में जो आर्ट्स फैकल्टी की सीट है वो 18 लगभग सीटें रखी गई हैं जो कि अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए, पेड सीट 15%, इसका मतलब कि जितनी सीटें निकल के आएंगी उसका 15% मैक्सिमम जो है वो पेड सीट के लिए प्रपोज किया जा सकता है, लगभग 12% लोग कर देते हैं। फॉरेन से मतलब नहीं है, इंप्लाई से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ मतलब तब हो जाता है जब ये लोग अपने कोटा का फायदा उठाते हैं तो आपकी सीट उधर बच जाती है। आप मतलब समझ रहे हो, मतलब हम जैसे लोग जो जनरल लोग होते हैं जो किसी रिजर्वेशन में नहीं है, किसी कोटा का फायदा नहीं उठाते हैं, तो हम लोगों की जो है वो सीट ये लोग कहीं ना कहीं छोड़ते हैं, हमें फायदा होता है। ये चीजें इसलिए बता रहा हूं ना, टेंशन मत चले जाना, सीटों की कमी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे बच्चे जाना चाहते हैं। इलाहाबाद में 4,000 से ज्यादा बच्चे बीए के कोर्स में जाते हैं, वहां पे बच्चे बहुत इंटरेस्टेड भी हैं जाने के लिए, ऐसा नहीं है कि बस बीएचयू में ही आना चाहते। उसके बाद अभी हमारा जो दिल्ली की कॉलेजेस हैं, जेएनयू है, जेएमआई है, डीयूए, इन सब बच्चे जाना चाहते हैं, हैदराबाद है, पटना यूनिवर्सिटी है, ऐसे इतने सारे कॉलेजेस हैं जहां बच्चे जाना चाहते हैं। तो कभी भी अपने आप को कम मार्क्स ला के ये मत जज कर लेना कि अरे यार मेरा तो बीएचयू में नहीं होगा। मैं आपको क्या बोलता हूँ, प्लीज पेशेंस रखना यार, मैं डे बाई डे आपको अपडेट करूंगा, जब राउंड के रिजल्ट आने लगेंगे तो मैं खुद अपडेट करूंगा कि देखो इस राउंड का इतना मार्क्स आ गया है, अभी इतने मार्क्स वालों का मिलने के चांसेज हैं।
इसीलिए बोल रहा हूं ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि वो सब चीजें आपको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे जो टोटल सीट वॉयस की निकल के आ रही है, लगभग मैंने 1900 यहां पे रखा, प्लस 285 पेड सीट ऐड किया, माइनस 627 यानी जो गर्ल्स की फिक्स रिजर्वेशन है उसको मैंने माइनस कर दिया, और 1558 जो है ये वैल्यू निकल के आती है टोटल 8 सोशल एफिलेटेड एफएमसी मिला के लड़कों के लिए। उसी की तरह मैंने गर्ल्स का देखा, यहाँ पे 627 जो है वो मैंने ऐड कर दिया इस वाली वैल्यू को, यानी जो गर्ल्स का रिजर्वेशन कोटा है, फिर ऑल एफिलेटेड और एफएमसी मिला के आर्ट्स फैकल्टी सोशल फैकल्टी मिला के 2976 सीटें निकल के आ रही है जो कि गर्ल्स के लिए है। ठीक है, ये जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, स्पोर्ट्स कोटा, जो लड़कियां हैं, हर लड़कियों के लिए, हर लड़कों के लिए सीट यहां पे मैं बता रहा हूं। इसमें बस थोड़ा सा अप डाउन होगा क्योंकि कुछ वैल्यूज को मैंने कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर दिया है। ठीक है, लेकिन ज्यादा अप डाउन नहीं होगा, आप लोग दिमाग में इतना बैठा लेना। कट ऑफ मेकिंग में रेफरेंसेस जो रखा गया वो रखा गया आपका वोटिंग, यानी जो मैंने कल पोल जनरेट किया था उस पर 2600 लोगों ने अभी तक वोट कर चुके हैं, और जिसकी वैल्यू भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ, जो पिछले साल का कट ऑफ का वीडियो वो भी मैंने आपको दिया था, जिसमें मैंने आपको एक बात बताया था कि जो भी बच्चा 70% यानी 70% प्लस अपने टोटल मार्क्स का ले आता है उसको लगभग चांसेस है बीच में एडमिशन मिल जाता है, और आज भी मैं इस बात का दावा करता हूं कि लगभग चांसेस उनको एडमिशन मिल जाता है। जबकि आप उस सिचुएशन में एग्जाम दिए हो जिस सिचुएशन में आपके साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हुआ है, आपके पेपर में, आपके सेंटर पे, आपके रिजल्ट मेकिंग, आपके आंसर की, हर जगह आपने परेशानियां झेली हैं, तो आप ये बात ध्यान रखना कि आपका जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं लिबरल होगा, ना कि हार्ड या रिजिड होने वाला है। ठीक है, उसके बाद है काउंसलिंग डेटा, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस बार आए हैं उसकी जो वैल्यू है मैंने आपको बताई थी इसके पहले वाले वीडियो में। आज मैं आपको इतना बता रहा हूं कि जो दो दिन बढ़ा 11 और 12 उसमें ये डेटा जो है वो थोड़ा सा अप होने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा अप नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में मुझे लगता है कि 1.5 के आसपास जाएगा। लेकिन हाँ, एक बार ध्यान रखना कि बीएचयू में बीए का ही रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं इस बार, सबसे ज्यादा, क्योंकि देखो जेई मेन के थ्रू जो साइंस के बच्चे हैं वो लगभग अपने प्रायोरिटी चेंज कर दिए, उसके बाद इसी सीयूटी के अंतर्गत ऑलरेडी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो भी अपना कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, तो बच्चे उधर भी जाएंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि बच्चा वो जमाने की तरह कि एग्रीकल्चर में एक समय था कि 70,000 फॉर्म अकेले पड़ गया था तो अब वो पड़ जाएगा, ऐसा अब नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपने जो वोट करा है उस समय उस वोट की करेक्ट वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। 2600 समथिंग लोगों ने यहां पे वोट करा, जिसमें 300 से ज्यादा लाने वाले लोगों की संख्या है 35% के साथ 910, 280 से ज्यादा 12% यानी 312, 250 से ज्यादा 442, 220 से ज्यादा 364 और 220 से ज्यादा 180 के बीच में वो है 592। दोस्तों ध्यान देना कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू करेक्ट कभी हो ही नहीं सकता है, इसके साथ कम से कम 2-3 पोल और होने चाहिए थे। जैसे कौन बच्चा बस बीएचयू में पढ़ना चाहता है, कौन इलाहाबाद में पढ़ना चाहता है, कौन अदर यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, कौन एडमिशन ले लिया है, फिर एक पोल होना चाहिए था कि गर्ल्स और बॉयज में किसकी क्या च्वाइसेज हैं, एक पोल होना चाहिए था कौन एफएमसी में जाना चाहता है, कौन एफिलेटेड में जाना चाहता है। ये तमाम बातों के साथ जब ये पोल जनरेट होता तब जाके ये कुछ करेक्ट वैल्यू निकल के आता। ठीक है, यहाँ पे जनरलाइज लोग हैं, अब जैसे वीडियो बनाई लिया तो हमने भी क्लिक कर दिया 280 वाला, तो ऐसे में सो प्लीज आप लोग इस डेटा को देख के डरे नहीं, होप रखें, मुस्कुराते रहें, अच्छा होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और मैं जैसे ही आपको अपडेट मिलता है कि कब आपका रिजल्ट आने वाला मैं आपको अपडेट कर दूंगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो अब हम लोग फाइनली आते हैं कट ऑफ, जिसका बेसब्री से आपको था इंतजार। ओके दोस्तों, अब ये जो कट ऑफ है एफएमसी का है, यानी एफिलेटेड का मैं अलग बनाऊंगा, मैं चाहता तो इसी में घटा बढ़ा के जोड़ जाड़ देता, लेकिन मुझे लगा कि यार इस बार कम से कम लोगों को एक एग्जैक्ट वैल्यू बतानी चाहिए कि हाँ भाई देखो इतने मार्क्स आए हैं तो एफिलेटेड में चले जाओगे। दिस इज द रीजन कि मैंने यहाँ पे बस एफएमसी को यहाँ पे बताया है, एफिलेटेड का देन आफ्टर मैं वीडियो अपलोड करूंगा, सो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसलिए बोल रहा हूँ बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इवनिंग तक वो वीडियो भी आपको मिलने के पूरे उम्मीद है। जनरल में 300 से ज्यादा फर्स्ट राउंड कट ऑफ है, ये कब है, ये फर्स्ट डे है या फर्स्ट राउंड है, ये ध्यान देना, फर्स्ट राउंड कट ऑफ है ये जो 300 प्लस, यानी
इस राउंड के कटाव के बाद 48 घंटे का समय दिया जाएगा। ये बच्चे जब पेमेंट नहीं करेंगे या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद सेकेंड राउंड 280 और थर्ड राउंड 270 जाने के चांसेस हैं। इसको डे में भी बोल सकते हो, फर्स्ट डे आफ्टर टू डेज, सेकेंड डे आफ्टर टू डेज, थर्ड डेज, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 270 के प्लस में जो भी होंगे उनको फर्स्ट राउंड में लगभग चांसेस है बुलाया जाएगा, यानी प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा पेमेंट। और 270 जो है वो लगभग 250 जो है उसके आफ्टर जाने के चांसेस हैं। ओबीसी जो है वो 290 फर्स्ट डे आफ्टर टू डेज, 270 आफ्टर टू डेज, 260। एससी का है जो 250 है, यानी 250 फर्स्ट डे का, उसके बाद 230 देन आफ्टर, उनके पूरे चांसेस है कि हो जाएंगे 230 के ऊपर जो भी रहेंगे लगभग। एसटी का 200 प्लस में ऑल, जितने भी 200 प्लस के ऊपर हैं लगभग एसटी के चांसेस हैं कि उनको जाने के चांसेस हैं, यानी उनको कोर्स एलोकेशन जाने की उम्मीद रहेगी। अब इनमें जो बच्चे बच जाते हैं, मान लो कि टोटल इसमें जो बच्चों की संख्या है वो 800 सर मिला के 700 500 1200 क्योंकि मैं एफएमसी बता रहा हूँ अभी, 1200 तो टोटल मान लो कि इन पूरे सीटों पे 1200-1300 बस जनरलाइज सीट बता रहा हूँ, वो अभी मैं सुपर नंबरी नहीं ऐड कर रहा हूँ। तो ये टोटल सीट मान लो यहाँ पे जो भी लोग भरेंगे फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे में, उसके बाद जो बच्चे बचेंगे यही बच्चे एफिलेटेड के लिए ज़्यादा एलिजिबल माने जाएंगे। अगर ये एफिलेटेड में जाना चाहते हैं तब यही बच्चे ज़्यादा चांसेज हैं, इसीलिए इस मार्क्स को थोड़ा मैं डिक्रीज करूंगा और उसकी एनालिसिस करके मैं एफिलेटेड का अलग कट ऑफ बना दूंगा। अब बात आती है कि सर आप अपने हिसाब से बताओ, ठीक है, कि एक कौन सी स्कोर पे लगभग हम लोग ये मान सकते हैं हमारा एडमिशन हो जाएगा। वो मैंने पहले बताया था और आज भी बताया था कि वो है 280। 280 अगर आपका मार्क्स है तो 280 पे आपको वरीड नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता है कि 280 पे आपको एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस है। अब एक जो कहानी आपको सुनाने वाला हूं, इस कहानी को ध्यान से समझो। बीएचयू जो है अभी अपना रिजल्ट नहीं दे रहा है, इलाहाबाद अपना रजिस्ट्रेशन अभी शुरू किया है, बाकी यूनिवर्सिटीज का कुछ इसी तरीके से हाल है। अगर बीएचयू इन यूनिवर्सिटी से पहले अपना रिजल्ट दे देता है, ठीक है, मान लो ये जो है ये अपना रिजल्ट पहले दे देता है बाकी यूनिवर्सिटीज से, तो ऐसे में बीएचयू का जो कट ऑफ है वो बढ़ने के चांसेज हैं, ऑफकोर्स बढ़ेगा। अगर बीएचयू पहले देगा तो पूरे बच्चे पता चला बीएचयू में ही आ जाएंगे, लगभग चांसेस हैं। लेकिन अगर बीएचयू इसको लेट करता है, अगर अपने रिजल्ट को लेट करता है, तो ऐसे में बच्चों की प्रायोरिटी में भी बदले और ये कट ऑफ जो है वो डिक्रीज होने के चांसेस हैं। तो ये थोड़ा सिचुएशन पर डिपेंड करता है, इसकी एनालिसिस हम लोग तब करें।